हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके लिए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट, फाइनल डेट शीट प्लस फर्स्ट सेमेस्टर ईआर सब्जेक्ट की डेट शीट। तो ये वीडियो काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कमेंट्स बॉक्स में और ग्रुप पर कि सर एक वीडियो लेकर आओ जिसमें आप हमें डेट बताओ कि कौन सा एग्ज़ाम कब है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा वायरल हो रहा है एक नोटिस 4 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा, ये वो है। तो इसी के बीच मैंने सोचा एक डेट शीट के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि ये डेट शीट जो है फाइनल डेट शीट 1 महीने पहले ही आ चुकी है। तो मैं इस वीडियो में नया ये रहेगा कि आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, प्लस आपको कोर्स वाइज बताऊँगा। पहले बी ए प्रोग्राम से स्टार्ट करके बी कॉम ऑनर्स तक जाऊँगा, इसी वीडियो में सारे कोर्सेज की जो डेट्स है वो डिस्कस करूँगा, प्लस फर्स्ट सेमेस्टर के साथ जो भी ईआर सब्जेक्ट के अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये डेट शीट है 2019-2020-2021 वालों के लिए, 2021 यानी आप, ठीक है ना। तो जरा देख लेते हैं सोल की डेट शीट है, फिर आप कहते हो रेगुलर की सोल की डेट शीट है, देख लीजिए ठीक है। अब जरा मैं डेट डिस्कस करता हूँ। आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है ईआर वाले, अगर किसी की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है ईआर है या उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनका जो पहला एग्ज़ाम है वो आपका 3 दिसंबर को कंडक्ट होगा। टाइमिंग रहेगी दिन की, यानी 2:30 से 5:30 बजे के बीच में, ठीक है ना। ओके, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का जो दूसरा एग्ज़ाम है लैंग्वेज का, अगर आपका इंग्लिश हिंदी कोई छूट गया है उसका जो एग्ज़ाम होगा वो 13 दिसंबर को कंडक्ट होगा। देख लीजिए टाइमिंग रहेगी सुबह की, मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी 9:30 से 12:30 के बीच में। देख लीजिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत है आपको, देख लीजिए काफ़ी स्लो में चला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एक और एग्ज़ाम है बिजनेस लॉ इकोनॉमिक्स एजुकेशन, अगर आपका छूट चुका है या इसमें ईआर है तो ये एग्ज़ाम आपका होगा 15 दिसंबर को, और जो इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो मॉर्निंग की रहेगी, देख लीजिए ठीक है ना। ये डिसिप्लिन का, अगर इसमें से अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया या छूट गया है तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो आपका 15 दिसंबर को होगा। अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर के ईआर सब्जेक्ट की डेट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का जो दूसरा एग्ज़ाम है डिसिप्लिन का वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा 19 नवंबर को, 19 नवंबर, टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है ना। उसके बाद आपका ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब शुरू होगा आपका थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का जो पहला एग्ज़ाम है सैक, यानी SEC बी ए प्रोग्राम वालों ने सैक में से एक सब्जेक्ट चूज़ करते हो, एजुकेशन इंग्लिश हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, इसका जो पहला एग्ज़ाम होगा वो होगा 24 दिसंबर को, देख लीजिए 24 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा इसका, और टाइमिंग 2 शिफ्ट में रहेगी। टाइमिंग की जो डेट टाइमिंग जो रहेगी वो आपको एडमिट कार्ड पे पता चलेगी, तो पर 2 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है सैक का, थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर। लैंग्वेज कोर्स का थर्ड सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है इंग्लिश से, इंग्लिश भी इंग्लिश सी जो भी आपने ले रखा है, वो आपका होगा 2 जनवरी को, देख लीजिए 2 जनवरी को आपका दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी मंडे को, 2 शिफ्ट में होगा। ये सारे सब्जेक्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का जो डिसिप्लिन का सब जो पेपर है आपका, वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा 4 जनवरी को, 9:30 से 12:30 के बीच में, टाइमिंग रहेगी 2 शिफ्ट में पेपर होगा, और पेपर की डेट है 4 जनवरी। डिसिप्लिन मतलब अगर आपने एजुकेशन बिजनेस लॉ और अगर आपने ले रखा है हिस्ट्री वगैरह, तो इसका जो पॉलिटिकल साइंस का भी है जो 4 जनवरी को आपका होगा, ठीक है। इसका डिसिप्लिन 2 का जो पेपर होगा वो 7 जनवरी को होगा, देख लीजिए 2 शिफ्ट में होगा। देख क्योंकि डिसिप्लिन 1 में से आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो, डिसिप्लिन 2 में से सब्जेक्ट चूज़ करते हो, ठीक है। इसकी जो डिसिप्लिन 1 डिसिप्लिन 2 ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर के माध्यम से चलता है। तो बीए प्रोग्राम की डेट्स मैंने बता दी, फर्स्ट सेमेस्टर का कब होगा, थर्ड सेमेस्टर का कब होगा, तो लास्ट पेपर बीए प्रोग्राम का थर्ड सेमेस्टर का 7 जनवरी को है, पेपर ख़त्म, ठीक है, और बाकी तो एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। अब जरा मैं डिस्कस कर लेता हूँ बीकॉम प्रोग्राम,
तो बीकॉम प्रोग्राम की डेट शीट आई है सोल की, ठीक है, 2019 2020 2021 वालों के लिए। तो जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर से हम स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे ईआर सब्जेक्ट, जिसके इसका कि भी अगर ईआर सब्जेक्ट है तो 4 दिसंबर से आपका पहला ईआर सब्जेक्ट का पेपर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अगर किसी की ईआर इसमें है तो टाइमिंग जो रहेगी 2:30 से 5:30 बजे के बीच में रहेगी। उसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा ईआर का जो पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का, वो 11 दिसंबर को होगा। टाइमिंग जो रहेगी वो इवनिंग की रहेगी 2:30 से 5:30 बजे के बीच में। फिर जो तीसरा ईआर का सब्जेक्ट आपका रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का लैंग्वेज का, वो आपका रहेगा 15 दिसंबर को आपका तीसरा पेपर रहेगा लैंग्वेज का। उसके बाद जो आखिरी पेपर आपका रहेगा, एक मिनट, हाँ ये इसी के साथ है, 15 दिसंबर को जो आपका आखिरी पेपर तो रहेगा ACCC का, वो आपका 18 दिसंबर को कंडक्ट होगा। टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग की, देख सकते हो, ठीक है। तो ये है ईआर सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम के, अच्छे से समझा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप ये ना बोलो कि सर अपडेट शीट आपने एक्सप्लेन अच्छे से नहीं की, ठीक है। फिर आपका थर्ड सेमेस्टर का बीकॉम प्रोग्राम का पहला पेपर आप देख लीजिए, कब होगा, साइबर क्राइम एंड लॉ और कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस, दोनों में से एक ले रखा होगा उसका जो पेपर होगा। टाइमिंग रहेगी इवनिंग और पेपर की जो डेट है वो 23 दिसंबर को पहला पेपर। और फिर दूसरा पेपर 1 जनवरी को होगा कंप्यूटर लॉ। टाइमिंग रहेगी इवनिंग की। उसके बाद तीसरा पेपर होगा 3 जनवरी को, लगातार है भाई, इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिस, टाइमिंग रहेगी इवनिंग की। उसके बाद लास्ट पेपर आपका 5 जनवरी को होगा, ये लैंग्वेज वाले, टाइमिंग रहेगी इवनिंग। तो ये टोटल आपके पेपर है, यानी 5 जनवरी को बीकॉम प्रोग्राम वालों का पेपर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ बी ऑनर्स पॉलिटिकल। तो देखिए इस वाली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बी ऑनर्स इंग्लिश, दोनों की डेट शीट मिक्स आती है इसमें। फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करूँगा ईआर सब्जेक्ट और थर्ड सेमेस्टर तक आपके लिए जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है वो होगा आपका 30 नवंबर को, ठीक है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। टाइमिंग आपकी मॉर्निंग रहेगी। फिर आपका जो दूसरा पेपर होगा इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, वो आपका होगा 2 दिसंबर को, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर और गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, टाइमिंग मॉर्निंग वाली। फिर आपका तीसरा ACCC का 3 दिसंबर को होगा, लगातार है, टाइमिंग जो रहेगी ये आपकी इवनिंग की रहेगी, मॉर्निंग नहीं है, इवनिंग है, बी ऑनर्स और पॉलिटिकल वाले। उसके बाद फिर आपका जो एक पेपर और है 12 दिसंबर को होगा ऑनर्स वालों का, बी ऑनर्स वालों का, ये आपका होगा 2:30 से 5:30 बजे के बीच में 12 दिसंबर को। उसके बाद पेपर समाप्त। उसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश ऑनर्स का, वो होगा 21 दिसंबर को, टाइमिंग जो रहेगी इसकी वो मॉर्निंग रहेगी। उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा वो 23 दिसंबर को होगा, देख लीजिए 23 दिसंबर को होगा, अमेरिकन लिटरेचर 9:30 से 12:30 के बीच में। उसके बाद 27 दिसंबर को आपका तीसरा पेपर होगा, देख लीजिए, पॉपुलर लिटरेचर परस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर पेपर का। इसके बाद जो इसकी टाइमिंग रहेगी वो मॉर्निंग की रहेगी, बी ऑनर्स वालों को बता रहा हूँ। फिर 29 दिसंबर को आपका एक पेपर और होगा ब्रिटिश पोइट्री ड्रामा और परस्पेक्टिव इंटरनेशनल रिलेशनशिप, टाइमिंग जो रहेगी इसकी मॉर्निंग रहेगी। उसके बाद जो आपका लास्ट पेपर होगा वो 31 दिसंबर को होगा बी ऑनर्स वालों का, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का, 31 दिसंबर को, टाइमिंग जो रहेगी इसकी इवनिंग रहेगी। तो ये है पूरा डेट शीट बी ऑनर्स वालों के लिए। अब जो डेट बची है, डेट शीट बची है ईआर सब्जेक्ट और थर्ड सेमेस्टर की, वो बची है बीकॉम ऑनर्स की। तो बीकॉम ऑनर्स से स्टार्ट करते हैं बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का ईआर रखी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ईआर वाला, 1 दिसंबर को, टाइमिंग जो रहेगी 9:30 से 12:30 के बीच में। दूसरा जो पेपर रहेगा ईआर वाला फर्स्ट सेमेस्टर का 3 तारीख को होगा, 3 दिसंबर को, टाइमिंग जो रहेगी 2:30 से 5:30। फिर आपका ईआर का तीसरा पेपर जो होगा 5 दिसंबर को होगा, बिजनेस लॉ 9:30 से 12:30, 5 दिसंबर को। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स का जो एक पेपर और होगा 12 दिसंबर को माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इवनिंग में। उसके बाद पेपर सारे समाप्त हो गए। उसका बीकॉम ऑनर्स का जो पहला पेपर थर्ड सेमेस्टर का होगा ई कॉमर्स ट्रेनिंग जो भी आपने ले रखा होगा, 20 दिसंबर को, टाइमिंग जो रहेगी आपकी
मॉर्निंग की रहेगी। उसके बाद 22 दिसंबर को आपका दूसरा पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 9:30 से 12:30 के बीच में। फिर 26 दिसंबर को आपका तीसरा पेपर है, देख लीजिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन कोर का 9:30 से 12:30। उसका 28 दिसंबर को आपका चौथा पेपर है, अरे पाँचवा पेपर है, इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस 9:30 यानी मॉर्निंग शिफ्ट 28 दिसंबर को। फिर उसके बाद आपका 31 दिसंबर यानी लास्ट पेपर जो आपका इकोनॉमिक्स मनी इन द बैंकिंग जेनिक इलेक्टिव, इसका जो पेपर होगा 2:30 से 5:30 के बीच में होगा। तो ये टोटल डेट्स मैंने बता दी ईआर प्लस टैक्स समझ, मुझे लगता नहीं ऐसे किसी ने डिस्कस किया होगा। बाकी एडमिट कार्ड आपका आएगा, एडमिट कार्ड पर सारी डेट्स आपको मेंशन होगी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।